नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 की इकाई 2 का टॉपिक राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, कक्षा 12 के साथ बच्चों ये टॉपिक आपके रीट, एसएससी, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स है उनमें भी आपके लिए फायदेमंद होगा, और जो आगामी दिनों में आने वाली रीट है उसमें भी ये आपके टॉपिक बहुत ही लाभदायक है। तो इसके लिए आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और सुने। तो आज अपना टॉपिक है बच्चों राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है बच्चों, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर संस्था को बोलते हैं बच्चों ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं। जबकि खंड स्तर पर होती है पंचायत समिति। कौन होती है? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर होता है बच्चों जिला परिषद। कौन होता है? जिला परिषद। अब उसके बाद आता है सदस्य। ग्राम पंचायत में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, सरपंच, उपसरपंच, सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच, ये सदस्य मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन करते हैं बच्चों। उसके बाद आता है खंड स्तर। खंड स्तर में बच्चों प्रधान, उप प्रधान, प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य मिलकर के पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है जिला स्तर। जिला स्तर पर होती है बच्चों जिला परिषद। जिला परिषद में कौन कौन होगा? जिला प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्य, ये मिलकर के जिला परिषद का निर्माण करते हैं। तो क्या देखा आपने? ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है उसमें सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। खंड स्तर पर प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य मिलकर के पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। और जिला स्तर पर जिला परिषद में जिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख और जिला स्तर पर इस समिति के सदस्य मिलकर के जिला परिषद का निर्माण करते हैं। अब बात आती है बच्चों क्षेत्राधिकार। इसमें होता है केवल ग्राम स्तर, इसमें होता है खंड, कुछ खंडों को जोड़ कर एक खंड बना दिया जाता है, और ये होता है जिला स्तर। जिला स्तर पर होता है ये, खंड स्तर पर होता है और ये ग्राम स्तर पर होता है। उसके बाद होता है बच्चों सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन बच्चों प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है और वयस्क मताधिकार के माध्यम से इन सदस्यों का चुनाव होता है। चाहे वो इनका भी प्रत्यक्ष रूप से होता है और जिला स्तर के भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से। अब बात आती है बच्चों योग्यता की। योग्यता यहाँ पर है जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है ग्राम पंचायत स्तर पर। खंड स्तर पर भी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए और जिला स्तर पर भी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात आती है संख्या। संख्या यहाँ पर होगी न्यूनतम जो है कितने वार्ड होंगे? न्यूनतम जो है सदस्य संख्या होती है 9, यहाँ पर होती है 15 और यहाँ पर होती है 17। 1,00,000 जनसंख्या पर 2 प्रतिनिधि और जुड़ जाएंगे, 4,00,000 जनसंख्या पर प्रति 2
मेंबर और जुड़ जाते हैं। इसमें ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर 1 लाख जनसंख्या पर या 1 लाख के हिस्से की जनसंख्या पर 2 प्रतिनिधि बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर 4 लाख पर प्रति 2 बढ़ा दिए जाते हैं। वैसे इनकी यहाँ पर न्यूनतम 9 वार्ड मेंबर होंगे, यहाँ पर 15 पंचायत समिति के न्यूनतम मेंबर हो सकते हैं और 17 जिला स्तर पर जिला परिषद के मेंबर हो सकते हैं बच्चों। उसके बाद आता है त्याग पत्र। त्याग पत्र जो है, यहाँ पर जो त्याग पत्र दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, यहाँ पर दिया जाएगा विकास अधिकारी को। इसको देगा विकास अधिकारी को देगा और खंड स्तर का देगा वो प्रधान को देंगे, प्रधान को देंगे और यहाँ पर देंगे बच्चों जिला जिला प्रमुख। यहाँ पर जो सदस्य होंगे ग्राम स्तर पर वो अपना त्याग पत्र देते हैं विकास अधिकारी को, खंड स्तर पर देते हैं प्रधान को और जिला स्तर पर देते हैं जिला प्रमुख को त्याग पत्र देते हैं। तो आपने यहाँ पर 7 चीजें पढ़ी कि सदस्य इसमें सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच होते हैं, इसमें प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, इसमें जिला प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्य होते हैं, ये ग्राम स्तर पर काम करता है, ये खंड स्तर पर काम करता है और ये जिला स्तर पर काम करते हैं। इसके अलावा इनका निर्वाचन गुप्त मतदान प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला स्तर के अधिकारी भी वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों अध्यक्ष। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम सरपंच। कौन की क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। खंड स्तर पर जो अधिकारी होगा उसको बोलते हैं प्रधान और जबकि जो जिला स्तर पर जो अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं जिला प्रमुख। जिला प्रमुख बोलते हैं बच्चों। जिला स्तर पर जिला प्रमुख होता है, ग्राम स्तर पर सरपंच होता है और आपका खंड स्तर पर प्रधान जो है वो अध्यक्ष होता है। अब बात करते हैं इनका चुनाव कैसे होता है। देखो बच्चों, सरपंच का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से वहां के जो ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, यहां पर चुनाव होता है ग्राम सभा के सभी वयस्क मताधिकारी मिलकर के सरपंच को चुनते हैं, जबकि प्रधान को पंचायत समिति के सभी वयस्क मतदाता किसका चुनाव करते हैं पंचायत समिति के सभी जो सदस्य हैं, सभी सदस्य मिलकर के प्रधान का चुनाव करते हैं, जिला परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर के जिला प्रमुख को चुनते हैं। ध्यान रखना बच्चों, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मताधिकार प्राप्त सभी सदस्य मिलकर के सरपंच का चुनाव करते हैं, लेकिन प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वो कैसे? पंचायत समिति के जो सदस्य चुनकर के आते हैं वो निर्वाचित सदस्य मिलकर के प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं, जबकि जिला प्रमुख का चुनाव भी जिला परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर के जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो जिला सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के जो वयस्क मताधिकार प्राप्त जो मतदाता है वो करते हैं, जबकि प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के मेंबर करते हैं, जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा मिलकर के किया जाता है। उसके बाद आता है त्याग पत्र। ये त्याग पत्र देता है विकास अधिकारी को। कौन? ये देता है खंड विकास अधिकारी को,
और ये देता है जिला मुख्य कार्यकारी, मुख्य कार्यकारी ये देता है, ये जो त्याग पत्र देगा विकास अधिकारी को देगा, ये खंड विकास अधिकारी उपाध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष जिला प्रमुख, ये देगा जिला प्रमुख को, और ये देगा आपका किसको, आपके संभागीय आयुक्त को, ये देगा संभागीय आयुक्त को। कौन है? जिला प्रमुख। एक बार ध्यान से सुने, जो आपका सरपंच होगा वो त्याग पत्र देता है विकास अधिकारी को, प्रधान अपना त्याग पत्र देगा किसको, जिला प्रमुख को, जबकि जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देता है संभागीय आयुक्त को। ध्यान रखना बच्चों, सदस्यों की बात करें तो सदस्य यहाँ पे ग्राम स्तर पर देते हैं विकास अधिकारी को, पंचायत समिति के देते हैं प्रधान को, और बाकी सदस्य देते हैं जिला प्रमुख को। जबकि यहाँ पर आपके सरपंच की अगर हम बात करें तो सरपंच अपना त्याग पत्र देता है विकास अधिकारी को, प्रधान अपना त्याग पत्र देता है किसको, जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख को। और आपका ये जिला परिषद का जो जो जिला प्रमुख है वो अपना त्याग पत्र देता है संभागीय आयुक्त को, किसको देता है, संभागीय आयुक्त को देता है। ठीक है बच्चों, अब होता है इसका जो उपाध्यक्ष होता है उसको हम उपसरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसरपंच कहते हैं। यहाँ पर जो अधिकार जो उपाध्यक्ष होगा उसको उपप्रधान कहते हैं, और यहाँ पर जो होगा उसे उपजिला प्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? उपजिला प्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष होता है, ग्राम स्तर पर उपाध्यक्ष होता है उपसरपंच, पंचायत स्तर पर होता है उपप्रधान, और जिला स्तर पर होता है उपजिला प्रमुख। यहाँ पर जो उपसरपंच है इसका चुनाव वहां के जो वार्ड पंच के सदस्य है वो मिलकर के करते हैं, उप प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के सभी सदस्य मिलकर के करते हैं, और उप जिला प्रमुख का चुनाव जिला स्तर के जितने भी निर्वाचित सदस्य है वो मिलकर के करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है बैठक। ग्राम पंचायत की बैठक हर 15 दिन में होती है। कितने दिन में होती है? हर 15 दिन में ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित होती है, और खंड स्तर पर जो बैठक होती है वो एक महीने में एक बार, और ये होती है 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार बैठक होती है आपकी किसकी? ग्राम पंचायत की। एक महीने में एक बार बैठक होती है किसकी? पंचायत समिति की। जबकि जिला परिषद की बैठक 3 महीने में एक बार जो बैठक होती है वो होती है बच्चों किसकी? जिला परिषद की। तो आपने क्या क्या देखा बच्चों? आपने संस्था का नाम देखा, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर सदस्य संख्या, क्षेत्राधिकार, सदस्यों का निर्वाचन और योग्यता के बारे में पढ़ा। इसके अलावा ग्राम स्तर का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? सरपंच। पंचायत स्तर का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधान, जबकि जिला स्तर का जो प्रधान होता है बच्चों वो होता है जिला प्रमुख। सरपंच का चुनाव जो आपकी ग्राम सभा है उसके सभी वयस्क मताधिकार प्राप्त नागरिक जो है वो सरपंच का चुनाव करता है, जबकि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर के करते हैं, और जिला प्रमुख का चुनाव भी जिला स्तर पर जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, जो 17 मेंबर मैंने आपको बताए, वो मिलकर के जिला परिषद के जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो सरपंच है वो अपना त्याग पत्र देता है विकास अधिकारी को, प्रधान अपना त्याग पत्र देता है जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देता है संभागीय आयुक्त को। इसके अलावा ग्राम स्तर पर जो राजपत्रित अधिकारी होता है बच्चों उसको बोलते हैं क्या? ग्राम सेवक। क्या होता है राजपत्रित अधिकारी? ग्राम सेवक। खंड स्तर पर होता है खंड विकास अधिकारी। कौन होता है? खंड विकास अधिकारी।
जिसको आप बीडीओ भी बोलते हो, क्या बोलते हो? बीडीओ बोलते हो। जिला स्तर पर होता है सीईओ, जिसको बोलते हैं बच्चों मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो आपने देखा कि ग्राम स्तर पर जो राजपत्रित अधिकारी होता है वो ग्राम सेवक होता है, खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी होता है, और आपका जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कौन? ये मैंने आपको तीन स्तर बताए हैं, और इन तीनों स्तरों की बात बच्चों बलवंत राय मेहता समिति 1957 करता है, और इसी में अपने हमारे राजस्थान में इन सब चीजों को हमने स्वीकार किया। 73वां संविधान संशोधन हुआ, और इस 73वें संविधान संशोधन ने इन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। बच्चों बात रही शैक्षणिक योग्यताओं की, सरपंच की शैक्षणिक योग्यता पहले 8th पास थी, पंचायत समिति के प्रधान की 10th पास था, और आपकी वसुंधरा राजे की जो सरकार थी उसमें शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, अशोक गहलोत ने शैक्षणिक योग्यता को अस्वीकार कर दिया और कहा कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जिनका अनुभव बहुत अच्छा है लेकिन उनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो उन्हें भी सरपंच या ग्राम स्तर पर जो है प्रशासन चलाने का दायित्व सौंपा जा सकता है, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों का जो ज्ञान है वो उन्हीं लोगों को हो सकता है। इसके लिए ये तीन स्तर हमने समझाए आपको। तीनों स्तरों में जो है ग्राम स्तर जो मिलकर बनता है सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों से मिलकर के बना होता है बच्चों, और ये जो वार्ड पंच होते हैं इनका चुनाव उनसे संबंधित वार्ड पंचायतें जो हैं उनसे संबंधित वार्ड पंचायतों में जो भी ग्राम सभा के मेंबर है वो मिलकर के वार्ड पंचों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा आपके जो प्रधान है, प्रधान का चुनाव मैंने आपको बता ही दिया है। तो प्रधान उप प्रधान ये जो है खंड स्तर बने हुए होते हैं, और इस खंड स्तर पर जो है 17 मेंबरों के लिए पंचायत समिति स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाते हैं, और वो पंचायत समिति के जो निर्वाचित मेंबर है वो प्रधान और उप प्रधान को चुनते हैं बच्चों, और इस तरीके से हमारा ग्रामीण स्वशासन चलता है। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और विभिन्न प्रकार के जो शुल्क है उनके द्वारा जो है इनका वित्तीय संसाधन जो है प्राप्त करते हैं, और ग्राम स्तर पर जो है जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना है, सार्वजनिक स्थानों का निर्माण करना है, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है, लोगों में कि कहाँ पर निरक्षरता ज़्यादा है, कौन कौन सी सुविधाएं गाँव में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, इन सब की जानकारी जो है ग्राम सभा ग्राम पंचायत को देती है। और आप सब जानते हैं बच्चों हमारा भारतीय संविधान में जो 73वां अमेंडमेंट हुआ बच्चों उसमें अनुच्छेद 243 के एक नाम बताती है बच्चों ग्राम सभा की बात करती है, तो ग्राम स्तर की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है बच्चों वो ग्राम सभा है। सभी आंकड़े जो ग्राम पंचायत के सामने प्रस्तुत करती है वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा की बैठक साल में 4 आयोजित की जा सकती है, और ग्राम सभा की बैठक को गुप्त रखा जाना अनिवार्य नहीं है, और ग्राम सभा की बैठक में जो जो डिस्कस होता है बच्चों वो ग्राम पंचायत में लाया जाता है, और सरपंच के द्वारा उन कार्यों को क्रियान्वित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के बात यह है स्थानीय स्तर की व्यवस्थापिका का काम करती है आपकी ग्राम सभा, स्थानीय समस्याओं से ग्राम पंचायत को अवगत करवाती है ग्राम सभा बच्चों। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में इस बात का प्रावधान है कि किस ग्राम सभा में क्या क्या होगा। ग्राम सभा में गांव के जितने भी वयस्क मताधिकार प्राप्त लोग हैं वो ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे, और इन्हीं ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो ग्राम पंचायत जिसको हमारे भारतीय संविधान ने 29 विषय सौंपे हैं बच्चों, और आज इसको संवैधानिक दर्जा भी मिल गया है, धीरे 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 करके पंचायती राज संस्थाओं को आज मजबूती मिली है। इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं को कौन कौन से कार्य
करने पड़ते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारा भारतीय संविधान कहता है कि यहाँ पर आरक्षण जो है, जो स्थानीय स्वशासन है वहां पर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किसकी व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 73वां संविधान संशोधन कहता है बच्चों कि 33% क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज राजस्थान सहित कई राज्यों ने आरक्षण की व्यवस्था की है और आरक्षण को कितना स्तर कर दिया है, 50% कर दिया है। महिलाओं को भी आरक्षण दिया है, एससी एसटी को भी आरक्षण दिया गया है हमारे भारतीय संविधान ने। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। तो पॉलिटिकल साइंस के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, मेरे साथ जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालिए, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं और आप पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में पारंगत हो सके। तो इसके लिए मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए बच्चों, धन्यवाद।